हेलो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर टू इज कंप्लीटेड इन बुक एंड नोटबुक। बच्चों, हमारा चैप्टर टू ईवीएस में कंप्लीट हो चुका है, बुक और नोटबुक में। अब मैं आपको इसकी एक्टिविटी एक एक्टिविटी देने जा रही हूँ, जो आपको ईवीएस की नोटबुक में ही करना है। जैसे कि आपको मालूम है स्टूडेंट्स, यू हैव मेंटेन द इंटरलीव नोटबुक। आपने अपनी ईवीएस की इंटरलीव बनाई होगी। इंटरलीव मीन्स एक तरफ प्लेन और एक तरफ लाइनिंग वाली। तो आपको जो प्लेन पार्ट्स है, इसका प्लेन वाला पेज है, इस पेज पे एक एक्टिविटी ड्रॉ करनी है। एक्टिविटी है ड्रॉ अ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी बनानी है, यानी इंसान की एक शरीर बनाना है। एंड नेम इट्स बॉडी पार्ट, और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे हैंड है तो हैंड लिखना है, और लेग है तो लेग लिखना है। ऐसे अगर आप बॉडी पार्ट बॉडी नहीं बना सकते, ह्यूमन बॉडी बना नहीं सकते, तो उसको कहीं से कटिंग करके, किसी पेपर से, किसी न्यूज़पेपर से, मैगजीन से कटिंग करके भी पेस्ट कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी को। और लेकिन उसके पार्ट्स आपको अपनी हैंडराइटिंग में पेंसिल से ही ड्रॉ करना है और पेंसिल से ही लिखना है। दिस इज योर एक्टिविटी इन ईवीएस नोटबुक। एस नेक्स्ट आप होमवर्क इज योर नेक्स्ट होमवर्क इज मैच द फॉलोइंग चैप्टर टू सब्जेक्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये भी आपका ईवीएस नोटबुक में होमवर्क है। होमवर्क मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करनी है आपको। यानी ये इधर वर्ड्स हैं, सिक्स वर्ड्स, इन वर्ड्स को इनसे मैच करना है। जैसे आईज, ई वाई ई एस, आईज, आईज मीन्स आंखें। ई ए आर एस, एस एस मीन्स कान। एस के आई एन, स्किन, स्किन मीन्स खाल, त्वचा। N O S E, nose, nose means नाक। T O N G U E, tongue, tongue means जीभ। L E G S, legs, legs means पैर। इन वर्ड्स को इन वर्ड्स से मैच करना है। Walk, walk means चलना, W A L K, walk, चलना। F डबल E L, feel, feel means महसूस करना। S डबल E C means देखना। H E A R, hear, hear means सुनना। S M E डबल L, smell, smell means सूंघना। टी ए एस टी ई, टेस्ट मीन्स चखना। तो आपको जैसे मैचिंग, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, मैचिंग आप ऐसे ड्रॉ करके, लाइन ड्रॉ करके नहीं करेंगे। मैचिंग आपके नंबर डाल के करेंगे। जैसे आईज है, आईज के साथ मान लो ये है सी, आईज से हम सी करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे आप इसका नंबर वन लिखेंगे। एक मैं आपको करके बता रही हूँ, नंबर वन। ईयर्स से सुनते हैं, सुनना मीन्स हियर, तो आप यहाँ पे नंबर टू। ऐसे ऐसे मैच मत करना, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है, बेकार लगता है। आपको इसके आगे नंबरिंग करना है, ठीक है। योर होमवर्क इज डू दिस होमवर्क इन योर ईवीएस नोटबुक। बच्चों, आपको ये होमवर्क ईवीएस की नोटबुक में ही करना है। ओके okay?